जापान भी जापान में आबादी अब तरह से कम होती नजर आए लेकिन हम सिर्फ चाइना के मिसाल नहीं तो जहाँ पे हम कहते हैं कि आबादी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह बनती है तो चाइना में तो हमें वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग भी नजर आता है बट दे हैव मेड अ ग्रेट रेवोल्यूशन दे हैव देयर पॉपुलेशन एज़ वन ऑफ देयर रिसोर्स और उन्होंने अपनी आबादी को कार बनाया है गुजत तीस चालीस साल में और किस तरह से उन्होंने अपने आप को स्ट्रांग करके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग किया है हम लोग अपने पॉपुलेशन के ऊपर वो वाले रिसोर्स नहीं हर्ष कर सके हमारा ह्यूमन कैपिटल जो है हम उसको इतना स्ट्रांग नहीं कर सके स्टिल लॉट्स ऑफ पीपल आर लिविंग बिलो पावर्टी लाइन स्टिल लॉट्स ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड ना सिर्फ ये एक इकनॉमिक uh, और सोशल इशूज़ बन रहे हैं इससे और भी कई मसाइल जो है वो जन्म लेते हैं तो ओवरऑल हम वो आ, वो अपनी अपने लिए वो वो रूम अपने लिए वो फैसिलिटीज लोग खुद पैदा नहीं करते एंड पीपल लुक एट द स्टेट नाउ इट बिकम्स द रिस्पॉन्सबिलिटी ऑफ स्टेट और पाकिस्तान वेलफेयर स्टेट भी कहलाता है तो राइट फ्रॉम द हाउसिंग टू द एजुकेशन टू द मेडिकल फैसिलिटीज टू द ट्रांसपोर्ट प्रोविजन ऑफ वाटर पावर एवरी जो है सब चीज़ें जो है वो स्टेट की बड़ी भारी जिम्मेदारी आए हो जाती है कि आवाम को जो है मुकम्मल तौर पर जो है आ, लोगों को फैसिलिटेट करे और जो बहुत बड़ी तादाद जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाएगी बेघर लोगों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी तो आपको शेल्टर होम्स खोलने पड़ेंगे जैसे जैसे आबादी बहुत बढ़ती जाएगी आपको फ्री हॉस्पिटल्स खोलने पड़ेंगे अब बढ़ती हुई आबादी में लोग गुरबत और बेरोज़गारी का शिकार है वो अपनी हेल्थ के ऊपर जो है वो स्पेंड नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बन जाएगी तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग जो है वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में करनी पड़ेगी जो कि बढ़ती हुई आबादी की नीड्स को पूरा कर सके फिर एक तो ये होगा कि गवर्नमेंट अब किस हद तक हम खर्च कर सकते हैं बिकॉज जैसा कि मैंने पीछे चाइना की मिसाल दी आपको बड़ी आबादी है वी आर नॉट हमारा जी जो है वो उनको मैच नहीं करता हमारी आ, हमारी पावर्टी रेशो जो है उनको मैच नहीं करती हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इसकी पी रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा है तो फिर हमें बैकवर्ड ही इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आएगा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र नहीं आएगा जब हम ये कहते हैं कि थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लोगों को एक डॉक्टर जो है वो केटर करता है और हजारों की तादाद में लोगों को एक नर्स जो है वो केटर करती है तो ये यकीनन बढ़ती हुई आबादी का ही एक बड़ा इफ़ेक्ट है जब हम ये कहते हैं कि किसी बड़े शहर में नया हॉस्पिटल नहीं बना तो गवर्नमेंट की रिसोर्स आबादी की नीड्स को पूरा करने में चले जाते हैं तो हर जगह पर हॉस्पिटल्स नहीं खोल सकते खुल सकते या हम कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो गवर्नमेंट नहीं दे पा रही तो हर चीज हम गवर्नमेंट पे छोड़ते हैं वॉट इज द नीड ऑफ आवर डेट मीन नीड टू ब्रिंक चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द पीपल वी हैव टू स्टॉप द ग्रोइंग पॉपुलेशन अदरवाइज वी विल भी कीप कम्प्लेनिंग अबाउट दी बैकवर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान वी डिनॉट हैव गुड रोड वी डो नॉट हैव गुड हॉस्पिटल वी डोनाट हैव गुड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पब्लिक वी विल कीप कम्प्लेनिंग अबाउट इट तो बैकवर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इस दी रिजल्ट ये एक फैक्ट है इतनी बड़ी आबादी को एक ह्यूमनली किसी भी स्टेट के लिए पॉसिबल नहीं होता कि अपने रिसोर्स द रिसोर्स का हम ऑलरेडी शिकार हैं तो उसकी वजह से हमारे ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमें वीक ही होता नज़र आता है